वेलकम माई डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूनिक्स जॉब्स इंटरनेशनल। उम्मीद करता हूँ आज आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की ये जो वैकेंसीज हैं, कतर की ये वैकेंसी हैं, लेटेस्ट वैकेंसी हैं। ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है। अगर आप होम कंट्री से अपने अप्लाई कर रहे हैं या किसी और कंट्री से अप्लाई कर, किसी गल्फ कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, ये तमाम ऑनलाइन जॉब्स हैं, डायरेक्ट फ्रॉम कंपनीज से हैं, किसी एजेंट के थ्रू नहीं है। किसी फेक एजेंट को आपको किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं देने। अगर आपकी जॉब हो जाती है तो कंपनी वीज़ा वगैरह जो भी बेनिफिट्स होंगे वो प्रोवाइड करेगी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कर लीजिए, ताकि न्यू जॉब्स की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मैं यूएई से रिलेटेड, सऊदी अरबिया, हर कंट्री से रिलेटेड न्यू जॉब्स की अपडेट अपलोड करता रहता हूँ। तो साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको न्यू जॉब्स के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अपनी प्रॉपर सीवी बना लेनी है, देन आपने अप्लाई करना है। सीवी पे आपने अपना एक्सपीरियंस वही मेंशन करना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। मैं हर वीडियो में ये बात कहता हूँ, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सीवी आपने 3 से 4 टाइप्स की बना के रख लेनी है और वही एक्सपीरियंस मेंशन करना है जिस फील्ड की आपको नॉलेज हो। ऐसा नहीं कि आप किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, एक्सपीरियंस कुछ और हो। सीवी आपकी जॉब के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये वैकेंसी है अकाउंटेंट्स की, वैकेंसी है कतर में। क्वालिफिकेशन बैचलर्स ऑफ कॉमर्स की, बैचलर्स डिग्री चाहिए इन्हें। 3 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। बाकी डिस्क्रिप्शन आपने ठीक से पढ़ लेनी, देन आपने अप्लाई करना है। बेसिक मेरा मकसद ये होता है कि मैं आपको न्यू टिप्स दे सकूँ, थोड़ा सा गाइड कर सकूं। डिस्क्रिप्शन तो आप खुद भी पढ़ लेंगे, तो डिस्क्रिप्शन आपने ठीक से पढ़नी है, देन आपने अप्लाई करना है। नेक्स्ट वैकेंसी है मैकेनिकल इंजीनियर सेल्स मैनेजर एग्जीक्यूटिव दोहा, दोहा कतर में। ये वैकेंसी है मैकेनिकल इंजीनियर रिक्वायर्ड है इन्हें, साथ में सेल्स मैनेजर भी रिक्वायर्ड है। डिस्क्रिप्शन आपने ठीक से पढ़ना है, देन आपने अप्लाई करना है। नेक्स्ट वैकेंसी है नर्सरी टीचर दोहा, दोहा में ये वैकेंसी है। तो ये 3000 to 4500 सैलरी है, डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। तो माय डियर फ्रेंड, आपने सीवी प्रॉपर तैयार करनी है। मैं अगेन कह रहा हूँ, सीवी का आपने ख़ास तैयार रखना है, वरना आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा, आप भले हज़ारों सीवी सेंड कर दें। नेक्स्ट वैकेंसी है MEP टेक्निकल ऑफिस इंजीनियर की, वैकेंसी है दोहा में। 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो डिस्क्रिप्शन आपने ठीक से पढ़नी है, नहीं देन आपने अप्लाई करना। और ये माय डियर फ्रेंड, ये तमाम जॉब बिल्कुल फ्री हैं, डायरेक्ट कंपनीज हैं, किसी एजेंट के थ्रू नहीं है। नेक्स्ट वैकेंसी है फाइनेंस मैनेजर रिक्वायर्ड है। एज लिमिट 40 ईयर्स से कम होनी चाहिए। फाइनेंस का काफ़ी अच्छा स्कोप है, चाहे आप कतर में अप्लाई करें या UAE में करें। बाकी मैं हर कंट्री से रिलेटेड न्यू जॉब्स की अपडेट अपलोड करता रहता हूँ, स्पेशली UAE की, दुबई की। तो या आप मेरे चैनल पर जाके वो वीडियोस आप देख सकते हैं मेरे चैनल्स पे जाके। बाकी आई बटन पे आप क्लिक करके न्यू जॉब की अपडेट UAE की और दूसरी कंट्रीज़ की आप चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वैकेंसी है सेल्स इंजीनियर की, वैकेंसी है, ईमेल एड्रेस मेंशन है, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है। तो डिस्क्रिप्शन आपने ठीक से पढ़नी है, देन अप्लाई करना है। मैं डिस्क्रिप्शन डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जानी है। नेक्स्ट वैकेंसी HDD इंजीनियर रिक्वायर्ड है कतर में। तो ये एज लिमिट 30 to 45, 5 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इन्हें। तो ईमेल एड्रेस मेंशन है, जो हज़ार इंटरेस्टेड है, जिनको एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करें डेली बेसिस पर, आपने 2 से 3 बार CV सेंड करनी है, तब जाके आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। नेक्स्ट वैकेंसी है सेल्समैन रिक्वायर्ड है। सेल्स एंड मार्केटिंग काफ़ी अच्छा स्कोप है। तो ये डिस्क्रिप्शन आपने ठीक से पढ़नी है, 6 to 8500 सैलरी है, आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, काफ़ी अच्छी सैलरी थी ये। नेक्स्ट वैकेंसी ऑपरेशन मैनेजर की वैकेंसी है। ऑपरेशन मैनेजर का काफ़ी अच्छा स्कोप है, चाहे वो UAE हो, कतर हो या सऊदी अरबिया। तो ये डिस्क्रिप्शन आपने ठीक से पढ़नी है, देन अपने अप्लाई करना। नेक्स्ट वैकेंसी है साइट इंजीनियर सुपरवाइज़र हेल्पर हैवी ड्राइवर कतर, हैवी ड्राइवर भी रिक्वायर्ड है। तो लेबर कैटेगरी श्रीलंकन, बांग्लादेश, नेपाली, काफ़ी ये डिटेल लिखी हुई है, काफ़ी नेशनलिटी के लोग चाहिए हैं। तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश हैं या एक्सपीरियंस है, आपने अप्लाई हर जगह करना है, कहाँ से रिस्पांस मिल जाए कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आपने डेली बेसिस पर अप्लाई करना है। नेक्स्ट वैकेंसी है सेल्स मैनेजर की वैकेंसी है कतर में। डिस्क्रिप्शन आपने ठीक से पढ़ लेनी है, देन आपने अप्लाई करना है। 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस इनको मिनिमम रिक्वायर्ड है।
अगेन कह रहा हूँ माई डियर फ्रेंड्स, आपने 3 से 4 टाइप की सीवी बना के रखनी है, देन आपने अप्लाई करना है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें वही सीवी सेंड करें, वरना आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। इस नेक्स्ट वैकेंसी है कैशियर सेल्समैन की वैकेंसी है, तो ये एक्सपीरियंस इसमें 2 साल का रिक्वायर्ड है, 1300 प्लस बेनिफिट्स दिया जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी है आइसक्रीम मेकर की वैकेंसी, अकाउंटेंट और आइसक्रीम मेकर की वैकेंसी है कतर में, अकाउंटेंट फिलिपिनो फीमेल रिक्वायर्ड है, आइसक्रीम मेकर रिक्वायर्ड है, नेपाली श्रीलंकन और फिलिपिनो को प्रीफियर किया जाएगा। तो जो भी हजरात इंटरेस्टेड वो अपनी सीवी सेंड कर सकते हैं, और ये तमाम जॉब लेटेस्ट हैं, अगस्त में आप अप्लाई कर सकते हैं, ये तमाम जॉब लेटेस्ट हैं। रियल इस्टेट एजेंट रिक्वायर्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस प्रीफियर किया जाएगा। तो जो भी हजार रियल इस्टेट का, अगर आप माई डिफ्रेंस अगर आप फ्रेश भी हैं, आपने अप्लाई हर जगह करना है, कहाँ से रिस्पॉन्स मिल जाए कुछ कह नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आपने फ्रेश हैं तो आपने ये सोचना है आपको जॉब मिलनी नहीं, आपको मिलेगी, बस आपकी एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट वैकेंसी है डिप्टी जनरल मैनेजर रिक्वायर्ड, ईमेल एड्रेस में मैंशन है, इस डिस्क्रिप्शन आपने ठीक से पढ़ लेनी, देन आपने अप्लाई करना है। नेक्स्ट अगेन ये वैकेंसी सेल्समैन रिक्वायर्ड है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है ये, ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट होना चाहिए आपके, इंडियन को प्रीफियर किया जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका सेल्स एंड मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, अकाउंट्स का एक्सपीरियंस है, एचआर वगैरह का एक्सपीरियंस है, तो यूएई और कतर वगैरह में काफ़ी अच्छा स्कोप है। अगर आपका होम कंट्री का एक्सपीरियंस भी है तो आप किसी भी गल्फ कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। मैं डेली बेसिस पर ऑलमोस्ट यूएई के न्यू जॉब्स की अपडेट अपलोड करता रहता हूँ, तो वो आप देख के अप्लाई कर सकते हैं। वॉक इंटरव्यू भी होते हैं और उसमें कुछ ऑनलाइन अप्लाई की भी होता है। अगर इन सब फील्ड का काफ़ी अच्छा स्कोप है, स्पेशली सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड का, यूएई में तो बहुत अच्छा स्कोप है और कतर में भी। नेक्स्ट वैकेंसी है सेल्स एग्जीक्यूटिव बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर रिक्वायर्ड है, इन्हें 5 ईयर्स का सेल्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए वेस्ट मैनेजमेंट का। तो जो जिन हजरात को है वो अप्लाई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ठीक से पढ़ लें, देन आप अप्लाई करें। तो ये नेक्स्ट वैकेंसी है, ये वैकेंसी है जनरल सुपरवाइज़र स्टील फिक्सर की वैकेंसी है कतर में, तो डिस्क्रिप्शन आपने ठीक से पढ़ लेना है, एक्सपीरियंस सिविल वर्क होना चाहिए, फिनिशिंग एंड रीड ड्राइंग का जनरल सुपरवाइज़र में, और प्रोफेशनल स्टील फिक्सर में भी नॉलेज होनी चाहिए ड्राइंग की। नेक्स्ट ये वैकेंसी है डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रिक्वायर्ड है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह इसमें मेंशन है, आपने डिटेल में पढ़ लेनी है जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह। एक चीज़ और माय डियर फ्रेंड, आपने इंटरव्यू की लाजमी प्रिपरेशन कर लेनी है। बहुत से ऐसा भी होता है बैड लक आपका कि आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं करते, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करते, देन आपको रिस्पॉन्स आ तो जाता है इंटरव्यू के लिए, लेकिन वो आपको हायर नहीं करते। इंटरव्यू में क्या बेसिक क्वेश्चन आंसर होते हैं ये आपने लाजमी प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट वैकेंसी अकाउंटेंट की, ईमेल एड्रेस पे मेंशन है, एज लिमिट 30 to 35 होना चाहिए, 5 ईयर्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो माय डियर फ्रेंड, इंटरव्यू पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप मेरे चैनल पे जाके वो देख सकते हैं। आपने इंटरव्यू की प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं आपके अप्लाई करने। विजल मैनेजर की वैकेंसी है, तो ये डिस्क्रिप्शन आपने ठीक से पढ़ लेनी, देन आपने अप्लाई करना है। नेक्स्ट वैकेंसी है स्किन थेरेपिस्ट मेकअप स्पेशलिस्ट हेयर ड्रेसर हेयर स्टाइलिस्ट की वैकेंसी है कतर में, तो ये काफ़ी वैकेंसी, अरबी फिलिपिनो नेशनलिटीज़ को प्रीफियर किया जाएगा। अगर आप किसी और भी नेशनलिटी के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, आपको वो स्किल्स अच्छी होंगी तो वो हायर कर लेंगे, नेशनलिटी वगैरह की आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। नेक्स्ट वैकेंसी है क्वांटिटी सर्वियो की वैकेंसी है कतर में, 5 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, NOC विद ट्रांसफरेबल वीज़ा। जो भी हजरात इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हो, भले आप फ्रेश हो, आपने अप्लाई हर जगह करना है, कहाँ से रिस्पॉन्स आ जाए कुछ कह नहीं सकते। डेली बेसिस पे यूएई में कतर में कुवैत में हायरिंग चल रही है, बस आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है आप कितनी एफर्ट्स कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको पेशेंस भी रखना होगा। नेक्स्ट वैकेंसी है सेल्स एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस रिटेल फैशन का रिक्वायर्ड है, इन्हें NOC मतलब मस्ट होनी चाहिए अगर आप कहीं और जॉब कर रहे हैं तो। ईमेल एड्रेस पे मेंशन है तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है अकाउंटेंट और कैशियर की वैकेंसी है, 5 ईयर का एटलीस्ट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, कैशियर में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, ये आप सबके लिए प्लस पॉइंट है। नेशनलिटी और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है स्पेशली कैशियर के लिए। कैशियर सेल्स एंड मार्केटिंग काफ़ी अच्छा स्कोप है, काफ़ी अच्छी सैलरी है, काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। जिन हजरात को एक्सपीरियंस है उनको तो फ़ौरन अप्लाई करना चाहिए।
और आपने किसी फेक एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना माई डियर फ्रेंड्स, वो आपका पैसा भी वेस्ट करेंगे और टाइम भी वेस्ट करेंगे। आपने अपनी एफर्ट से जॉब हासिल करनी है, बस आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और कंटिन्यू डेली बेसिस पे एफर्ट्स करनी होगी। नेक्स्ट वैकेंसी है ड्राफ्टमैन एंड इंजीनियर रिक्वायर्ड है, 4 to 5 years से एक्सपीरियंस इनको रिक्वायर्ड है, टेलीकॉम इंजीनियर टेक्नीशियन। ये डिस्क्रिप्शन आपने ठीक से पढ़ लेनी है, देन आपने अप्लाई करना है। अगेन कह रहा हूँ माई डियर फ्रेंड्स, CV आपने वही सेंड करनी है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। अगर आपका एक्सपीरियंस कुछ और है और किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट वैकेंसी है सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर की वैकेंसी है, ज्वाइनिंग को फ़ौरन चाहिए, 10 years का एक्सपीरियंस चाहिए इन्हें ऑलमोस्ट। अगर आपको 5 to 7 years का भी है तो कोई इशू नहीं, आपने अप्लाई करना है क्योंकि काफ़ी वैकेंसीज आई हुई हैं, डेली बेसिस पे हायरिंग हो रही है। एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी तो और भी इसमें वैकेंसी होती है, अगर आपको उनको आपका एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन समझ में आती है, CV समझ में आती है, वो आपको कॉल बैक ज़रूर करेंगे। बस आपने CV डेली बेसिस पे 2 से 3 बार सेंड करनी, क्योंकि मिलियंस की तादाद में CV आती है तो आपकी CV नीचे चले जाती है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है HR वालों के पास कि वो सारी CV रीड करें। नेक्स्ट वैकेंसी है अरबिक सिविल इंजीनियर रिक्वायर्ड है, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर रिक्वायर्ड है, डिस्क्रिप्शन वगैरह इसमें सब मेंशन है क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, तो ये आपने डिटेल में पढ़नी है, देन आपने अप्लाई करना है। मैं अगेन कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, मेरा बेसिक मकसद है कि मैं आपको गाइड कर सकूं। नेक्स्ट वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर टेक्नीशियन ड्राइवर रिक्वायर्ड है, फिलिपिनो एशियन नेशनलिटी को प्रिपेयर किया जाएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आंसर है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, या किसी फील्ड से रिलेटेड या किसी और कंट्री से रिलेटेड आपको जॉब की इन्फॉर्मेशन चाहिए स्पेशली UAE से, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। जो भी लेटेस्ट वैकेंसी होगी, कोशिश मेरी यही होगी उस पर वीडियो अपलोड कर सकूँ, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है अकाउंटेंट की, नेशनलिटी की कोई कैद नहीं है, प्लस पॉइंट है आपके लिए, 3 से 5 साल का मिनिमम गल्फ का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। मेरा एड्रेस पे मेंशन है कतर ड्राइविंग लाइसेंस भी रिक्वायर्ड है, जो हज़रत का कतर का एक्सपीरियंस है। कुछ में फ्रेश के लिए वैकेंसीज है, कुछ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, कुछ जॉब्स में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो वो आप देख सकते हैं किस पोस्ट के लिए आप सुटेबल हो रहे हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है स्ट्रक्चरल इंजीनियर की वैकेंसी है, मेडियो फ्रेंड डिस्क्रिप्शन काफ़ी डिटेल में दी हुई है, तो आपने रीड कर लेना है, देन आपने अप्लाई करना है। अगेन कह रहा हूँ डेली बेसिस पे हायरिंग चल रही है, बस आपने थोड़ी सी एफर्ट्स करना है और डेली बेसिस पे अप्लाई करना है, CV सेंड करनी। नेक्स्ट वैकेंसी है सेल्स मार्केटिंग मैनेजर की वैकेंसी है दोहा कतर में, मार्केटिंग मैनेजर का 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, सेल्स मैनेजर का 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और मिनिमम आपके पास उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगेन अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कर लीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि न्यू जॉब्स की अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। मैं हर कंट्री से रिलेटेड जॉब्स की वीडियोस अपलोड करता रहे। नेक्स्ट वैकेंसी है फाइनेंस मैनेजर की वैकेंसी है, 7 years का एक्सपीरियंस इनको रिक्वायर्ड है, कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश एंड अरबिक एडवांटेज है आपके लिए, अगर आपकी अरबिक भी अच्छी है तो डिस्क्रिप्शन डिटेल में पढ़नी है और देन आपने अप्लाई करना है। नेक्स्ट वैकेंसी है प्रोजेक्ट मैनेजर टेक्निकल ऑफिस मैनेजर दोहा कतर, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए 15 years का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है एंड टेक्निकल ऑफिस मैनेजर के लिए भी 15 years का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो जिन हजार को एक्सपीरियंस है 15 years का तो वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी क्लीनर एंड वेटर्स की वैकेंसी, 75 वैकेंसीज है माई डियर फ्रेंड, 1100 to 1300 सैलरी है, तो ये काफ़ी अच्छा स्कोप है। अगर आप फ्रेश भी हैं या एक्सपीरियंस, आपने अप्लाई हर जगह करना है माई डियर फ्रेंड। मैं अगेन कह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ, कहाँ से रिस्पॉन्स मिल जाए कुछ कह नहीं सकते, आपने वेट नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट वैकेंसी है प्रोजेक्ट मैनेजर सेफ्टी ऑफिसर सुपरवाइज़र की, लाइफ गार्ड की वैकेंसी है, डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, सुपरवाइज़र की क्वांटिटी 21 वैकेंसीज हैं, काफ़ी अच्छी तादाद में वैकेंसी है माय डियर फ्रेंड, तो ये आपने डिस्क्रिप्शन ठीक से पढ़ लेनी है, देन आपने अप्लाई करना है। ईमेल एड्रेस वगैरह इसमें मेंशन है, इसमें कितने साल का एक्सपीरियंस, मिनिमम आपको 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो अगर आपका होम कंट्री का या गल्फ कंट्री का एक्सपीरियंस है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, टेंशन लेने की नीड नहीं है। अगर एक्सपीरियंस आपका कम भी है तो भी आपने अप्लाई करना है, एफर्ट आपने करते रहनी है। नेक्स्ट वैकेंसी ऑटोकैड ऑपरेटर मैकेनिकल की ये वैकेंसी, मिनिमम 5 years का एक्सपीरियंस इनको रिक्वायर्ड है, डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग का, तो जो हज़ार इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है प्लम्बर पाइप फिल्टर फिटर की वैकेंसी है, 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तो जिन हज़ार को एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकते हैं।
अगेन कह रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, सीवी पे एक्सपीरियंस वही मेंशन करिएगा जिसकी आप जिस फील्ड से रिलेटेड आपको हाउ नो हो। ऐसा नहीं हो कि आपको हाउ नो भी ना हो और आपने एक्सपीरियंस मेंशन कर दिया। नेक्स्ट वैकेंसी है लीड मैकेनिकल इंजीनियर की वैकेंसी है, 15 ईयर प्लस एक्सपीरियंस इनको रिक्वायर्ड है। ईमेल एड्रेस पर मेंशन है, जो अगर इंटरेस्टेड है सीवी सेंड कर सकते हैं। और ये तमाम जॉब्स माय डियर फ्रेंड्स फ्री हैं, बिल्कुल डायरेक्ट कंपनीज हैं, किसी फेक एजेंट के थ्रू नहीं है। एजेंट के चक्कर में आपने नहीं पढ़ना, वो आपसे पैसे भी ले लेंगे और आपकी जॉब भी नहीं लगाएंगे। बहुत से ईमेल्स मेरे पास आती हैं, सर हमसे पैसे ले लिए और जॉब नहीं मिली, वो आपकी कॉल भी रिसीव नहीं करेंगे बाद। नेक्स्ट वैकेंसी है फाइनेंस मैनेजर और अकाउंटेंट की वैकेंसी है, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मिनिमम रिक्वायर्ड है। ईमेल एड्रेस पर मेंशन है, तो डिस्क्रिप्शन आपने ठीक से पढ़नी है, देन आपने अप्लाई करना है। नेक्स्ट वैकेंसी है सिक्योरिटी की वैकेंसी है, प्रीफियर किया जाएगा, ये कोटेशन वगैरह बनाना आता हो, एमएस ऑफिस एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट की कंप्लीट नॉलेज हो। ईमेल एड्रेस मेंशन है, जिन फीमेल को एक्सपीरियंस है जो अप्लाई करना चाहती हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है कंस्ट्रक्शन मैनेजर की वैकेंसी है, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस इनको मिनिमम रिक्वायर्ड है। अगर आपका होम कंट्री का भी एक्सपीरियंस है तो भी आपने अप्लाई करना है, कंटिन्यू डेली बेसिस पे मैं अगेन कह रहा हूँ अप्लाई करना है, एफर्ट करते रहना है, किसी फेक एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना या किसी पे आपने डिपेंड नहीं करना, वो आपके टाइम भी वेस्ट करवा देंगे और पैसे भी आपके ज़ाया हो जाने। नेक्स्ट वैकेंसी है वैन सेल्समैन की वैकेंसी है, 3 साल का एक्सपीरियंस इनको रिक्वायर्ड है। सैलरी इंटरव्यू में डिस्कस की जाएगी। ये तमाम जॉब माय डियर फ्रेंड्स अगेन आपको कह रहा हूँ कि डायरेक्ट कंपनी से, किसी फेक एजेंट के थ्रू नहीं है, आप इजी होकर सीवी सेंड कर सकते हैं। अगर आपकी हायरिंग होती है वीज़ा वगैरह सब कंपनी प्रोवाइड करे। नेक्स्ट वैकेंसी आउटडोर सेल्समैन सेल्स लेडी रिक्वायर्ड है, एक्सपीरियंस डिस्कशन पे मेंशन है, सैलरी अच्छी है। सेल्स एंड मार्केटिंग का मैं अगेन कह रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, यूएई हो कतर हो, सैलरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा स्कोप है, तो आपने अप्लाई करते रहना है। सेल्स एंड मार्केटिंग अकाउंटेंट कैशियर भी बहुत अच्छा स्कोप है यहाँ पे। नेक्स्ट वैकेंसी SPS स्टाफ रिक्वायर्ड है, फिलिपिनी लेडीज़ या एशियन लेडीज़ एक्सपीरियंस, हेयर स्टाइलिश वगैरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन आपने डिटेल में पढ़ लेनी, देन आपने अप्लाई करना है। डेली बेसिस पे काफ़ी तादाद में UAE हो, कतर हो या कुवैत हो, हायरिंग चल रही है माय डियर फ्रेंड्स 2019 में, स्पेशली इन दिनों में जून जुलाई या अगस्त में हायरिंग चल रही है, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, आपने अप्लाई करना है। अब डेली बेसिस पे हायरिंग चल रही है गल्फ कंट्रीज़ में, बस आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और अपने अपनी छोटी छोटी चीज़ों का CV का स्पेशली ख्याल रखना होगा। तो डिस्क्रिप्शन आपने ठीक से पढ़ लेनी, बेसिक मेरा मकसद ये होता है कि मैं आपको गाइड कर सकूँ, डिस्क्रिप्शन तो आप खुद भी पढ़ लेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी है चॉकलेट कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है, ये मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो ईमेल एड्रेस पे मेंशन है, अगेन अगर आई बटन पे आप क्लिक करके और भी न्यू UAE से रिलेटेड और दूसरी कंट्री से रिलेटेड जॉब्स की अपडेट देख सकते हैं, या मेरे चैनल पे जाके आप और भी, मैं जॉब अपलोड करता रहता हूँ डेली बेसिस पे, स्पेशली UAE दुबई से रिलेटेड, तो आप वीडियो देख सकते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं किसी फील्ड से रिलेटेड आपको किसी कंट्री में जॉब चाहिए हो, तो आप मुझे उस टाइम जो भी लेटेस्ट वैकेंसी होगी, कोशिश मेरी ये होगी मैं अपलोड कर सकूँ जो रियल वैकेंसी हो। नेक्स्ट वैकेंसी है हैवी व्हीकल ड्राइवर की वैकेंसी है, डिस्क्रिप्शन आपने ठीक से पढ़नी नहीं, देन आपने अप्लाई करना है। मैं अगेन कह रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, फेक एजेंट के चक्कर में नहीं पढ़ना, बहुत से फेक एजेंट होते हैं जो आपको झूठे वादे करके 2 दिन का कह के वो आपको 2 साल में भी जॉब नहीं दिलवाएंगे, या झूठा फेक इंटरव्यू करवा के आपसे पेमेंट ले ली जाएगी, बाद में आपके पैसे वेस्ट हो जाने हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ आपने ये गलती नहीं करनी, आपने अपनी एफर्ट से जॉब हासिल करनी। नेक्स्ट वैकेंसी है टीचर की वैकेंसी है कतर में, ज्वाइनिंग फॉरन चाहिए, तो ये डिस्क्रिप्शन डिटेल में पढ़ लें जो भी इनके रिक्वायरमेंट है, देन आप अप्लाई करें। नेक्स्ट वैकेंसी ऑटोकेट ऑपरेटर सिविल की वैकेंसी है, 5 ईयर्स के एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो डिस्क्रिप्शन आपने ठीक से पढ़ लेनी है और डेली बेसिस पे आपने एफर्ट्स करते रहना है। बाकी आप वीडियो हो सके तो कोशिश किया करें कंटिन्यू पूरा देखा करें, मैं बहुत ही चीज़ें गाइड कर रहा होता हूँ, थोड़ा सा आपने टाइम देना होगा तो, अगर आपने तो अच्छी जॉब हासिल करनी है तो इससे आपने अपनी स्किल्स भी डेवलप करनी होगी, इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करनी होगी। बाय इनकेस आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाती है, आप इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर नहीं दे पाते, तो वो आपकी मेहनत वेस्ट है। मैं अगेन कह रहा हूँ इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप डेली बेसिस पे करें। नेक्स्ट वैकेंसी है कमर्शियल लॉयर की वैकेंसी है, लीगल एडवाइज़र की, मिनिमम 15 ईयर्स के एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, काफ़ी अच्छा स्कोप है लॉयर वगैरह का भी, तो जो ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट वैकेंसी अकाउंटेंट की है, वैकेंसी है 50 ईयर से कम एज होनी चाहिए, तो 2 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम इनको रिक्वायर्ड है अकाउंटेंट का। तो जो भी हजरात को 2 साल के एक्सपीरियंस है मिनिमम, तो अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट्स का भी काफ़ी अच्छा स्कोप है, यूएई हो या कतर हो, काफ़ी अच्छा स्कोप है। नेक्स्ट वैकेंसी है मैकेनिकल इंजीनियर सिविल सुपरवाइजर ऑपरेशन की वैकेंसी है, अर्जेंट रिक्वायर्ड है। आईटी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कुछ भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 ईयर्स के एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, अगर आपका 2 से 3 साल का भी तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वो आपके लक पे डिपेंड करता है और आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है। सैलरी वगैरह इंटरव्यू में डिस्कस की जाएगी, सैलरी इन पर मैंशन नहीं है। जो भी आपकी स्किल्स है ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में डिस्कस की जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर की वैकेंसी है MBA। इनके ये जो भी रिक्वायरमेंट्स आपने डिटेल में पढ़ लेनी है, मैं डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ रहा, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। बेसिक्स मेरा मकसद ये है कि मैं आपको गाइड कर सकूँ। बाकी आपका उम्मीद करता हूँ माय डियर फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आपका किसी भी फील्ड से रिलेटेड आपको जॉब की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे आप कॉमेंट्स करके बता सकते हैं, और काइंडली वीडियो को लाइक भी कर दीजिए कि मैं काफ़ी एफर्ट से ये वीडियो बनाता हूँ। और ये रियल जॉब्स जो भी होती हैं, कोशिश मेरी यही होती है कोई फेक जॉब ना हो, डायरेक्ट कंपनी से जॉब हो। और अगेन कह रहा हूँ माय डियर फ्रेंड, कोई अगर आपको कहता है कि आप मुझे इतनी पेमेंट दे दें, मैं आपकी 2 विद इन 2 डेज़ 5 डेज़ 10 डेज में जॉब लगवा दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, फेक है। उम्मीद करता हूँ सबको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आप मुझे कॉमेंट्स करके बता सकते हैं, किसी भी तरह की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वीज़ा से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड, आप मुझे कॉमेंट्स कर सकते हैं। कोशिश मेरी यही होगी मैं फौरन रिप्लाई कर सकूं। अगेन अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कर लीजिए, ताकि न्यू जॉब्स की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, और साथ में बेल के आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।